आप अपना परिचय दीजिए, फिर अपनी समस्या बताइए। सर, मेरा नाम है हीरा मेनन, ओके ओके हीरा HIRAMENON। थोड़ा हम हिंदी बोलते हैं सर। मेरा पिताजी केरला का है और मेरा माताजी इधरी का है। तो हाँ पिताजी से युद्ध करने के दरमियान इधरी आ गया था पिंडदान देने के लिए, और उस समय में वो सब बचने के चलते इधर रह गया, तो फिर रह गया, अब हम लोग का जन्म हो गया। चलिए, अच्छी बात है भाई, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो बात है सर, हम यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट पे काम करते थे, HECL में, उसका नाम है HECL, हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, है ना। ओके हाँ वो बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया, प्लांट को बना भी दिया और समय पर पहले भी दे जमा दे दिया। उसमें हम लोग को करीब करीब, हमारा नंबर है 20,762 ओके और करीब 90,000 आसपास में यहाँ पर उस कंपनी में काम करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग फॉरम है, ओके तो उसमें हम लोगों को 2001 में उससे मैंने जबरन अवकाश योजना दिया, जिसको आप बोलते हैं BRS। ओके तो इट वाज ए गोल्डन हैंडशेक BRS और इट वाज ए फोर्सफुल BRS। सर, मेरा ये बड़ा वाला फोन है। नहीं 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 दो तरीके के वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स हैं, एक होता है फोर्सफुल और दूसरा होता है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक में हम जो है अपनी मर्जी से थोड़ा सा पैसा लेके जगह को उसको खाली कर देते हैं। तो ये आपका गोल्डन हैंडशेक वाला VRS था या जवरिया वाला VRS था? अब उसको थोड़ा हम बताते हैं सर। 19 महीना का हमको तनख्वाह रोक दिया, कितना किससे उधार लेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 50, एक बेक नहीं रुका ये कंटिन्यू करके, ये 40 दिन, 50 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन करते करते मेरा 19 महीना का तनख्वाह रोक दिया, कितना किससे उधार लेंगे। फिर मजबूर हो करके बच्चा लोगों का लिखा पढ़ाई में चौपट है, घर में भुखमरी छा रहा है, हम आज जो पेमेंट उठा रहे हैं आज 19 महीना पिछले वाला पेमेंट उठा रहे हैं, ऐसा में कैसे चलेगा। इसीलिए हमको जबरन अवकाश योजना लिए, जो आप बोलते हैं स्वेच्छा अवकाश योजना, ओके ये अटल बिहारी वाजपेयी के देखरेख में किया हुआ। ओके 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 उसी समय में ये जो पेंशन के लिए सरकार तमाम लोगों को जो तो अब जो कुछ आपके साथ गड़बड़ हो रहा है उसको बदलने की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ सर, उस समय हम लोगों ने हल्ला कर रहे थे तो कोई नहीं सुन रहा था। आज धीरे धीरे सब पूरा भारत जाना ना कि ये पेंशन स्कीम क्या है, हम लोगों को ना मालूम हो रहा है कि आज हमारे को दिल में खुशी हो रहा है। देखिए मिस्टर हीरा जी, आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि आप जो है कभी आजाद नहीं हुए हैं। समझौते के तहत आपको ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया और आज भी आपके ऊपर गुलामों वाले नियम कानून छुपे हुए हैं। यार ऐसा बात जो आप बोल दिए, ये तो पिताजी भी बताते थे और आप और कुछ मेरा संग साथी भी बताते थे, लोग विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपका बात एकदम 100% है। अब बुरा तो नहीं मानिएगा आगे। ओके तो अब इसको बदलने का बड़ा आसान मॉडल मैं लेके आया हूँ, जिसके तहत आप बिना 5 पैसे खर्च किए यदि आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो सदस्य भूमिका में, और यदि पर्दे के आगे रहकर लगातार लोगों को जोड़कर यदि कंपटीशन में नंबर वन आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 25 से 30 में आ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, और विधायकों की संख्या के तहत आ गए तो विधायक बन जाएंगे, और यदि उसमें भी नहीं आ पाए तो कम से कम आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, जहां पर कि गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा। आपको जो है अपने जीवन अपन के बारे में सोचना नहीं होगा। आप कहीं बैठ जाओ, मैं आपको पिक कर लेती हूं। ठीक है, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होगी, ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर। तो इसमें जो है ना कोई आपको जबरिया रिटायर करेगा, ना आप गरीब होंगे, आदमी मरते दम तक अच्छा काम करता रहेगा और उसे केवल ना जीने के लिए पैसे की कमाने की बात होगी,
बल्कि वो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने अध्यात्म को भी पूरा करते हुए संभवतः मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएगा। तो ये जीवन भी संभलेगा और आगे का जीवन भी संभलेगा, और वो भी बिना पांच पैसे खर्च किए। तो ऐसे महापरिवर्तन से आप जुड़ना चाहते हैं क्या? हाँ, जब बाप दादा ही लड़ा इस देश के लिए, आजादी के लिए, तो थोड़ा हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बूढ़ा हो गया। इसमें कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई पिटीशन नहीं देना है, सिर्फ अपने लोग जो कि प्रताड़ित हैं उनके पास बैठना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका एक वीडियो देखना है, चर्चा करके सामने वाले को संकल्प के साथ सदस्य या चंद्रगुप्त की भूमिका में जोड़ना है, बस इतना ही करने से। और जो सदस्य जुड़ रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सदस्य भूमिका के तहत आपको 90 लोगों को जोड़ना है, प्रेफरेबली 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में आप संकल्प पूरा कर सकते हैं। तो सदस्य के 3 संकल्प हैं, पहले कि 10 दिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है, और यदि 9 दिन में नहीं जुड़ पाते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लिया जा सकता है, लेकिन प्रयास किया जाए कि संगोष्ठी पूरी करके 9 दिन में ही जोड़ें तो अच्छा रहेगा। उसका दूसरा हिस्सा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रतिदिन एक वीडियो देख के अपनी एनर्जी को, अपने डिटर्मिनेशन को, अपने कमिटमेंट को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना है। ये सेकंड पार्ट है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब जो है चंद्रगुप्त का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो अपनी छत पर चढ़ना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और ये कहना है कि फलाना फलाना हीरा जो है ही इज माई चंद्रगुप्त, और मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा। और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन के जाके हीरा जी के सामने बटन को दबाकर विजयी बनाना है। बस इतने मात्र से जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे बिना पांच पैसे खर्च किए। और ये चंद्रगुप्त जो है यह परिवर्तित व्यवस्था चाणक्यों के माध्यम से, जिसकी अगुवाई मैथिली शरण गुप्त स्वयं कर रहे हैं, कानून और जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए परिवर्तित भारत को जमीन में उतार दिया जाएगा। तो आप जो है सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहेंगे या चंद्रगुप्त भूमिका में? हमको तो इतना नहीं समझ में आ रहा सर, हम तो नहीं, लेकिन आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि सदस्य को केवल 90 लोगों को जोड़ना है और चंद्रगुप्त को अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना है। यदि नंबर एक में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले नंबर वन पे पहुंच गए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारा देश सुधरना है सर, ये तो देखिए ऐसा है, ये देश जो है इन राजनेताओं के रहते नहीं सुधर सकता है। आज की जो राक्षसी व्यवस्था है, यदि आपने पहले सुना होगा कि राक्षस का जो है जान एक तोते में होती थी, आज की राक्षसी व्यवस्था की जान इन दुष्ट राजनेताओं में है। और यदि हम इस राक्षस को समाप्त कर नई व्यवस्था जिसमें कि अपराध मुक्त भारत भी हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी हो, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिले, हमारी जो व्यवस्था है वो पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, यदि वो विलंब से या गलत निर्णय लेती है तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना पड़े, यदि हम ऐसे भारत को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति गरीब ना हो, सभी समृद्ध हो जाएं, तो उसका एक ही उपाय है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का जो लिंक है वो आपको मैं अभी भेज दूंगा, उससे आप जुड़िए और आज से ही अपने सदस्य या चंद्रगुप्त और सदस्य में केवल इतना ही फर्क है कि सदस्य को केवल 90 लोगों को जोड़ना है और चंद्रगुप्त को लगातार संगोष्ठी करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना है। लेकिन यदि आप चंद्रगुप्त होंगे और नंबर वन पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यदि प्रथम 25-30 में आ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, और शुरू के 200-230 में आ जाएंगे तो विधायक बन जाएंगे, और यदि उसमें भी नहीं आ पाए तो परिवर्तित भारत तो मिलना ही तय है। समस्या का समाधान होना चाहिए, हमका ये मेरा मकसद है। इतना
तो उसको जब तक आप अपने सदस्य या चंद्रगुप्त की शपथ को पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये भारत, तब तक ये राजनेता पराजित नहीं होंगे और तब तक आपको परिवर्तित भारत नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो अपने से जितना संभव हो हमको कुर्सी और ये सब का नहीं लालच, हमको समस्या का समाधान चाहिए। आपको जो है, हम एक लिंक भेज रहे हैं, उसको डाउनलोड करके आप जो है अपना फोटो उसमें डालिए, अपने बारे में 2-4-6 लाइन जो भी लिखना है वो लिखिए, आपका पोस्टल पिन कोड डाल के उसको अपलोड कर देंगे, तो आपका जो है इमीडिएटली आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा। और ये आइडेंटिटी कार्ड आपको ऐप में ही सबसे नीचे प्रोफाइल को खोलेंगे तो उसमें दिखाई देगा, और फिर उसी अच्छा प्रोफाइल में जाके आप उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं, किसी अन्य मीडिया पे शेयर करने के ऑप्शन भी हैं, और यदि उसमें डाउन लिंक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को अपने लिंक से जोड़ सकेंगे, राइट, और आप परिवर्तित भारत पा सकेंगे। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप तत्काल जुड़िए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप कुछ अपने अन्य साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? यही चाहेंगे कि कम से कम जो हमारा जवान शहीद होता है या जवान कर्मचारी अपना किसी भी तरह से वो अपना बाल बच्चा को पाल पोस रहा है, और जो मेहनत किया वो भूखे नहीं अब है। पाल पोषण को भूल जाइए, अब गरीबी मुक्त समृद्ध भारत की बात करिए। अब उनको जो है, कल्पना अब से सभी लोगों के हाँ, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, तो ये छोटी चीजें मांगना बंद कर दीजिए, अब बड़ी चीजें मांगिए। फिर से आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें दीजिए, छोटी बात मत मांगिए, बड़ी बातें मांगिए। बड़ा बात यही है कि हम पूरे भारत में सुख शांति चाहते हैं। उसके लिए जो है सभी लोग जुड़े, सदस्य भूमिका में या चंद्रगुप्ती भूमिका में, जिसकी जो सोच क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां परमिट कर रही हैं उसके अनुसार जुड़े। तो आपने हीरा जी को सुना, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जुड़े, अपनी सोच क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से सदस्य के रूप में या चंद्रगुप्त के रूप में। इसी के साथ हम इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।